वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं लाफिंग शीट, और ये नेपाली डिश है। और बहुत कमेंट्स आए थे, मैंने फुल वीडियो डाल चुका है, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि आप लाफिंग की शीट अलग से बताएं जो ध्यान से समझ में आए। तो चलिए बनाते हैं लाफिंग की शीट, और आसान तरीके से बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप लगभग मैदा होगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जैसे हम मैदा का लगाते हैं डो, वैसे ही हमें मैदे का डो लगा लेना है। इसके बाद हम ऑयल लगाएंगे और डो में, जिससे हमारा जो डो है वो चिपके ना। और उसके बाद इसे रेस्ट पर रख देंगे 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो ये हमारा मैदा है, उस 20 मिनट के बाद इस तरीके से, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, और पहले हम इसे मसल मसल के पूरा हम इसका मैदे का ग्लूटन निकालेंगे। तो जो हमारी शीट बनती है वो मैदे से नहीं, मतलब मैदे का डो से नहीं बनती, ये मैदे के पानी से बनती है, जो हम मैदा को मसल मसल के और पूरा अच्छे से हम मैदे का ग्लूटन निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरा मैदे को मसल मसल कर मैदे को अलग कर लिया है, और उसके जो पानी है उसको अलग कर लेना है। और एक बार हम छान लेंगे, जिससे हमारा जो मैदा है वो नहीं जाए, उसका पानी जाए। तो हम इसे छान लेते हैं, और सारा ग्लूटन हमें इस तरीके से ही निकालना है, और दोबारा हमें इसको 3 से 4 बार प्रोसेस करना है यही चीज़, और अच्छे से हमें पूरा ग्लूटन निकाल लेना है। और जितना भी मैदे का ग्लूटन है हम इसी तरीके से निकाल लेंगे सारा, हम इसमें ही निकालने के बाद 3 से 4 बार निकालने के बाद इस तरीके से हम इसे साइड कर लेंगे। मैदे को फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ होगा, बाद में बता दूंगी मैं आप लोगों को। और इसको हम रेस्ट पर रख देंगे 2 घंटे के लिए, और इसी के साथ हम मैदे को भी हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। देखिए 2 घंटे बाद हमारा इस तरीके से कंडीशन आएगी, और ये जो हमारा ऊपर पानी है, जो मैदा है वो नीचे बैठ गया ग्लूटन, और ये पानी जो वेस्ट है उसे फेंक दीजिएगा। एक कढ़ाई में स्टैंड रखेंगे और पानी स्टीमर रखेंगे, मतलब टोटली मैं बता दूं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे इसके ग्लूटन में, मैदे के ग्लूटन में। आप चाहे तो बिना मतलब फूड कलर के भी आप बना सकते हैं, और चाहे तो दूसरा रंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट लेंगे, उसमें हम ग्लूटन डालेंगे, और इसे हम स्टीम होने रख देंगे। और इसे स्टीम होने के बाद हम इसे ढक देंगे, और 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही स्टीम होने देंगे। तो आप लोगों को बता दूँ, ये शीट में सबसे ज़्यादा मुश्किल जब आती है, जब आपका ग्लूटन सही से ना बने, और तभी हमारी शीट बिल्कुल स्टीम नहीं हो पाती, फट जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से ये ग्लूटन हमें निकालना है, और इसे रेस्ट पर रखना है अच्छी तरीके से। जितना रेस्ट पर होगा हमारा जो ग्लूटन है और जो शीट है वो अच्छे से परफेक्टली बनेगी। और ये देखिए आसान तरीके से निकल जाती है। 2 प्लेट की ज़रूरत होती है, एक के बाद एक रखनी होती है, और जब तक एक शीट रेडी होती है दूसरी स्टीम होने लगती है। इसी तरीके से हमारी सारी शीट आराम से बन जाती है। जो हमारा मैदा हमने रखा था उसे भी ऐसे स्टीम कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और अब हम लहसुन का पानी डालेंगे। आपको ये लहसुन का पानी कैसे बनता है, चिली ऑयल कैसे बनता है, इसकी मैंने फुल वीडियो भी डाली है, और चिली ऑयल की हमने स्पेशल वीडियो भी डाली है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑयल लगाने के बाद हम इसमें मैदे की एक शीट रखेंगे, उसके बाद हम इसमें सोयाबीन डालेंगे, और इसे कट कर कर रेडी कर लेंगे। हमारी लाफिंग तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आपको ध्यान से बनानी है, और अगर आपने बनाई हो मेरी वीडियो देखकर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी कैसे बनी है, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय। चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारी अतरंगी वीडियोज़।